अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि चपड़ा चमड़ा सुखाने का जो तरीका है वो कैसे करते हैं। इसमें तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा। सबसे पहले तो हमारा जो चमड़ा आता है ना, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसा कि हमारा चमड़ा होता है ऐसे गोल, ये इसके पेट का हिस्सा है, ये पेट है। जैसा कि डी टू डी जो होती है ना, बीच का हिस्सा जो पेशाब करने की उसकी जगह, यहाँ से आपको गर्दन के पास से काटते काटते जाना है और उसके पाखाने की जगह तक आप लोगों को पूरा उसको काट देना है, मतलब बीच से चीर देना है। खाटकी ने हमको यहाँ तक के हाथ काट के दिए होंगे बकरे की चमड़े के, तो आप लोगों के बीच से उसको ऐसे काटना है। यहाँ से कोनी वाला हिस्सा आएगा उसका, ये कट जाएगा, ये और ऐसा खुल जाएगा। और जब ये खुल जाए पूरा, उसके बाद अपने खड़ा नमक जो आता है ना, एक पीसा हुआ नमक आता है जो हमारे घर में औरतें इस्तेमाल करती है, और एक आता है खड़ा नमक जो भटियारे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक किलो 10-15 रुपए का कुछ मिलता है, एक किलो या दो किलो आप ले लीजिएगा। फिर आप अपने टेरेस के ऊपर या फिर ऐसी कोई खुली जगह के ऊपर उसको बिछा दीजिएगा। उसका ये वाला हिस्सा जो है ना, बाल वाला नहीं, ये वाले हिस्से के ऊपर नमक पूरा डाल देना। इस तरीके से डालना जैसा कि हम लोग एकदम से बिफोर बोलते हैं ना, बिफोर ज़्यादा, उस ज़्यादा से ज़्यादा डाल देना। 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा नमक पिघल जाएगा। नमक पिघलने के बाद आपने क्या करना है, फिर एक छुरा छुरी मिलेगी या छुरा, आपको जैसी सहूलत, आपको उसको ऐसे रखना है किसी भी चीज़ से, एक पैर से इसको ऐसे दबा देना है, पैर रखकर फिर ऐसा छुरा रखकर ना उसको ऐसे घसेंगे ना, तो जितना वो चमड़ी जो होती है ना, चिकास वगैरह जो भी, वो चिकास की एक बड़ी जाड़ी परत निकलेगी। उसके बाद चमड़ा ऑलरेडी एकदम सॉफ्ट और एकदम खूबसूरत अंदर से निकलेगा, एकदम वाइट, मतलब आप देखकर खूब शौक हो जाओगे कि यार इतना खूबसूरत चमड़ा निकला है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो साफ़ हो जाने के बाद इसको एक मरतबा अच्छे से धो लेना है पानी के अंदर। फिर उसके बाद नमक, आप पीसा हुआ नमक लेंगे तो भी चलेगा, पीसा हुआ नमक को लेके फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि खड़ा नमक डाल देना पूरा बिफोर, फिर इसी तरीके से पीसा हुआ नमक आप डाल दोगे तो पिघल जाएगा। उसके बाद इसके जो बाल की फिटिंग है ना, जो हम बोलते हैं कि बाल सड़ जाता है और निकल जाता है, वो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह, वो एकदम फिटिंग हो जाएगा। फिर तीसरे दिन यानी दूसरे दिन सूख जाएगा पानी, उसको पिघल जाए ना, उसके बाद उसको खड़ा रख देना किसी जगह पर, वो पानी सारा निथर जाएगा उसका। फिर उसके बाद उसको धोकर ने तीसरा स्टेप, जो हमारे घर में रोगन मारते ना, क्या बोलते हैं उसको, चूना, पतला लिक्विड चूना, वो चूने को आपने लेना है एकदम लिक्विड। 20 रुपये का इतना बड़ा पाउच आता है, उसमें तो तकरीबन 10 बकरे के ऊपर लग जाएगा, इतना सब केमिकल, उसको केमिकल बोलते हैं, कोई केमिकल नहीं है, वो चूना होता है, वो घर में लगाने वाला वाइट चूना, पतला पानी वाला, उसको पूरा मार देना। जैसे हम लोगों ने नमक मारा था इसी तरीके से आप उसको चूना मारकर और ऐसी जगह पर रख देना है, वो चूने को सूखने का इंतज़ार करना है। जब वो चूना सूख जाएगा, समझ जाओ आपका चमड़ा बन गया। उसको आप 3 दिन उसके अंदर से हल्की हल्की स्मेल आएगी इस चिकास की, उसके बाद वो इंशाल्लाह वो भी गायब हो जाएगी, और पूरा साल आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा साल क्या, लाइफ टाइम, जब तक ये ख़त्म नहीं होता वहाँ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है हज़रत, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपको ये उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो, तो ज़रूर बनाइएगा। अस्सलामुअलैकुम।